भारत और नेपाल में विख्यात माता बनेलिया मंदिर पर भोर से ही भक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान भक्त माता के जयकारे लगाते रहे। नवरात्र के इस पावन अवसर पर नौतनवा नगर पालिका अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी जिला अध्यक्ष माता बनेलिया मंदिर समिति मारवाड़ी युवा मंच नौतनवा के लोगों ने माँ बनेलिया मंदिर प्रांगण में अपना अपना स्टॉल लगाकर फल मिठाई और 56 भोग प्रसाद वितरित किया। इस दौरान नौतनवा चेयरमैन गुड्डू खान ने बताया कि नवरात्र में माँ बनेलिया के दर्शन मात्र से ही शरीर में गजब की स्फूर्ति आ जाती है और तन मन माँ की भक्ति में झूमने लगता है। हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष नरसिंह पांडे के मुताबिक सिद्धपीठ माता बनेलिया में हिंदू समाज के लोगों की गहरी आस्था है और यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग इनका दर्शन करने के लिए दूर दराज से यहाँ पहुँचते हैं और सच्चे मन से यहाँ जो भी लोग मनौती मानते हैं वो जरूर पूरी होती है। इसी के साथ ही मंदिर समिति प्रबंधक ऋषि राम थापा ने मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक किंवदंती बताई। जहाँ आज मंदिर है वहाँ पहले जंगल था या थारू समाज की जमीन थी। घने जंगल को काट कर किसान केदारनाथ खेती करते थे। एक दिन काम करते वक्त वो दिन में सो गए और सपना देखा जिसमें एक देवी ने कहा कि जहाँ खेती करते हो वहाँ मैं निवास करती हूँ, उस स्थान पर मंदिर बनवाओ। इसके बाद वर्ष 1888 में एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। जंगल होने के कारण उसका नाम वन देवी दुर्गा मंदिर के नाम से जाना जाता था और धीरे धीरे उसका नाम बनेलिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेपाल और भारत में विख्यात माँ बनेलिया के मंदिर में इस समय हम मौजूद हैं। आज नवरात्र का 8वां दिन है। यहाँ पर माँ बनेलिया मंदिर में महागौरी की पूजा के लिए श्रद्धालु भोर से ही लाइन में खड़े हैं। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं किस तरह श्रद्धालु यहाँ भोर से ही खड़े हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। माना जाता है जो भी भक्ति माँ बनेलिया के मंदिर में आता है उसकी सारी मनोकामना पूरा होती है। विजय चौधरी, जनमन न्यूज, महाराजगंज।